बॉक्स रीजनिंग के सेकंड रो के थर्ड कॉलम में जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है इन बाकी नंबर्स को स्टडी करने के बाद। अगर हम इसको कॉलम बाय स्टडी करें तो हमारे पास नंबर हैं 8, 69 एंड 5। हम जो छोटे छोटे दो नंबर हैं उनसे मिलके जो बड़ा नंबर है जो सेकंड रो में लिखे गए हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले कॉलम में देखिए 8 एंड 5 से 69 कैसे बनेगा। हम 8 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 5 ऐड कर देंगे, 64 प्लस 5 69 मिलता है। इसी तरह से सेकंड कॉलम में देखिए 15 एंड 6 से 231 कैसे बनता है। हम 15 का स्क्वायर करेंगे और उसमें जो थर्ड रो में नंबर लिखा है 6 वो ऐड कर देंगे, 225 प्लस 6 231 आएगा। इसी तरह से थर्ड कॉलम में 18 एंड 1 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी, 18 का स्क्वायर करेंगे और उसमें जो थर्ड रो में नंबर लिखा है 1 वो ऐड कर देंगे, तो 18 स्क्वायर प्लस 1 324 प्लस 1 हमें मिलेगा 325, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है।